अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन, आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 5 की रीडिंग स्टार्ट की थी, फॉरेस्ट एंड मैनर्स, जो कि हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट की है। नो वी स्टार्ट प्लानर नंबर 30। प्लानर नंबर 30 में आपका पेज नंबर आ रहा है वर्क बुक पेज नंबर 23 एंड 24। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, चूज़ द ए पार्ट है, चूज़ द करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट ट्री फॉरेस्ट शुड कवर डैश ऑफ टोटल एरिया ऑफ कंट्री, यानी माहरीन के मुताबिक, एक्सपर्ट के मुताबिक जो फॉरेस्ट हैं वो मुल्क के टोटल रकबे का कितना कवर होना चाहिए। 10 से 15% है, 15 से 20% है, 25 से 30% है। ये रीडिंग में भी आप पढ़ चुके थे कि 25 से 30% जो है वो टोटल एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, बल्कि जो जबकि हमारे जो पाकिस्तान में है ये जो है 4.5% है। सेकंड है, डॉर्फिट ट्रीज़ ऑफ सिल्वर फर एंड जूनिपर ग्रो इन डैश, यानी ये जो ट्रीज़ हैं ये कहाँ पे ग्रो होते हैं? सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, और थर्ड है अल्पाइन फॉरेस्ट। तो सी पे ये करेक्ट आएगा, अल्पाइन फॉरेस्ट। थर्ड नंबर पे है, मिनरल्स आर डैश सब्सटेंसेस, जो मिनरल्स हैं वो कौन से सब्सटेंसेस हैं? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मेटल्स। तो ये बी ऑप्शन पे करेक्ट आएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फोर्थ नंबर पे है, डैश इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स, सीमेंट्स और फर्टिलाइजर्स बनाने में क्या यूज़ होता है? कॉपर यूज़ होता है, जिप्सम या सल्फर। तो बी ऑप्शन पे करेक्ट आएगा, जिप्सम यूज़ होता है। बी पार्ट है आपका, मैश कॉलम ए विद कॉलम बी। आपको आपने ए कॉलम को बी कॉलम के साथ मैश करना है। सबसे नंबर 1 पे है, फॉरेस्ट आर कॉल्ड, इसको किसके साथ मैश करेंगे? ग्रीन गोल्ड ऑफ अ कंट्री। ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर यूज्ड, जो ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं आर यूज्ड, जो किसके लिए यूज़ होते हैं? फॉर ग्रेजिंग पर्पस एंड फ्यूल्स, ग्रेजिंग पर्पस यानी मवेशी वगैरह चराने के लिए, और फ्यूल ईंधन वगैरह के इस्तेमाल के लिए यूज़ होते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। थर्ड नंबर पे अल्पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड, अल्पाइन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? एट वेरी हाई एलिवेशन, एलिवेशन का मीन मतलब होता है बुलंदी पर, इंतहाई बुलंदी पर पाए जाते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है मिल्ड टेम्परेचर। साल्ट इज़ यूज, साल्ट जो है वो किस में यूज़ होता है? फूड एंड मेडिसन, फूड खुराक में, और मेडिसन अद्वियात वगैरह में, जो दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं उनमें भी साल्ट का यूज़ होता है। नेक्स्ट पेज नंबर है आपका 24, गिव शॉर्ट आंसर, सी पार्ट आपका, गिव शॉर्ट आंसर। वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ पाकिस्तान, फॉरेस्ट को पाकिस्तान का ग्रीन गोल्ड जो है वो क्यों कहा गया है? बिकॉज, आंसर देखें इसका, बिकॉज फॉरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफ अ कंट्री, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं, जो हमारे जंगलात हैं, वो पाकिस्तान की जो मुल्क की जो मुआशी तरक्की है उसमें एक अहम जो है वो करदार अदा करते हैं। वाई मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मिनरल्स को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्यों कहा गया? बिकॉज, क्योंकि दे डू नॉट फ्रॉम एन एनिमल्स और प्लांट्स, क्योंकि यो एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो इसमें नहीं शामिल होते। ठीक है, अंडरस्टैंड क्वेश्चन है एंड आंसर अकॉर्डिंगली। अंडरस्टैंड क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 3 है, वाई विल हैपन इफ़ देयर आर नो ट्रीज ऑन द अर्थ, कि अगर हमारे ज़मीन पर, हमारी ज़मीन पर जो है वो दरख्त ना हों तो वट विल हैपन, तो क्या हैपन हो? इफ़ देयर आर नो ट्रीज ऑन अर्थ, अगर ज़मीन पर दरख्त ना हों तो वी डू नॉट टेक ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन जो है वो नहीं ले सकते। वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट, हम जो है फ्रूट हासिल नहीं कर सकते, नट्स, फ्रेश एयर, ताज़ा हवा, शेड, साया एंड फ्लावर्स वगैरह हम जो है नहीं हासिल कर सकते अगर हमारी ज़मीन पर जो है वो ट्रीज ना हों तो। विच नॉन मेटलिक मिनरल्स इन यूज्ड इन फूड एंड मेडिसन, जिप्सम और साल्ट, इन दोनों में से जिप्सम और साल्ट में कौन सा जो मिनरल है, नॉन मेटलिक मिनरल है, वो
फूड में और मेडिसन में यूज़ होता है। आपने कॉलम में भी ये चीज़ पढ़ी है कि साल्ट इज यूज इन फूड एंड मेडिसन, तो इसमें क्या करेक्ट आंसर आएगा? साल्ट। स्टूडेंट, ये आपका प्लानर नंबर 30 था, जो कि वर्क बुक पेज नंबर आपका था 23 और 24। इसको आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल जो हम अगला जो है हमारा प्लानर है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, ठीक है, जो कि आपने नोटबुक के ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो डन करने हैं। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।